हालत गंभीर। बाइक सवारों ने घटना को अंजाम दिया। ट्रॉली चालक भी हुआ घटना का शिकार। ट्रॉली चालक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की और सड़क पर बिखरे गोलियों के कुल 5 खोखे बरामद किए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। वाराणसी में जैतपुरा थाना अंतर्गत चौका घाट इलाके में आज दिन दहाड़े गोलियों के चलने से इलाका थर्रा उठा। इस दौरान एक युवक को एक ट्रॉली चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। गरीब ट्रॉली चालक की मौत से गुस्साए स्थानीय लोगों ने कुछ देर चक्का जाम कर अपना विरोध भी जताया व हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना की सूचना मिलने पर एडीजी ब्रजभूषण, आईजी विजय सिंह मीणा, एसएसपी, एसपी सिटी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हथियारों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के सारे घटना के तार खंगाल रही है और प्रशासनिक अमला हथियारों की तलाश में जुटी। वहीं घटना के बारे में एडीजी ब्रजभूषण ने बताया कि मृतक अभिषेक सिंह उर्फ प्रिंस कैंट थाने का हिस्ट्री शीटर है और आपराधिक घटना में शामिल था। चौका घाट में दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क पर बिखरे गोलियों के कुल 5 खोखे बरामद किए हैं। अस्थायी लोगों से पूछताछ में पता चला है कि लगभग 100 राउंड बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई है। मिर्जापुर से रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।